प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 11,000 कन्याओं का पूजन, कन्या भोज एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम कैसा क्या रहा? कार्यक्रम का बहुत अच्छा रहा है। 4 जून से हमारी रामकथा शुरू हो गई थी, जिसमें साध्वी नीलम तिवारी जी ने अपने श्रीमुख से कथा का वर्णन किया। उसके बाद 9 तारीख को अखंड गोट गायन का कार्यक्रम हुआ और 10 तारीख को 11,000 कन्याओं का पूजन, कन्या भोज एवं विशाल भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई डॉक्टर संदीप सरावगी जी, समाज सेवी, उपस्थित रहे। सबसे पहले जी हमारी छोटी बहनें, हमारी बेटियां, इन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं कि झांसी बुंदेलखंड में आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा राम राजा की नगरी में आके 11,000 बेटियों का पैर धोना, उनका टीका लगाकर उनका सम्मान करना, उन्हें भंडारा कराना, इतना बड़ा और इतना बड़ा सारा आयोजन जो है जी, इन छोटी छोटी हमारी बेटियाँ, हमारी छोटी बहनें इतनी ताकतवर हैं कि जिस अकेले ही यह दृढ़ संकल्प लेकर पूरा काम करती हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं और जे जिंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ें, यही हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, हरदौल महाराज जी से। जो आज प्रोग्राम है ये हरदौल महाराज जी की समाधि पर यहाँ पर हो रहा है, जिसमें सारी कन्याएं और गोट गायन हुआ, 4 तारीख से आप रामकथा करा रहे हैं और अकेले घर परिवार छोड़कर इतना बड़ा संघर्ष करना वास्तविकता में सराहनीय है और धन्यवाद देना चाहते हैं अपनी बेटियों को। हमारा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 11,000 कन्याओं का कन्या पूजन किया जा रहा है, लेकिन इस बार हमारे 4 जून से जो रामकथा चल रही थी उसमें हमारे कथा परीक्षक श्रीमती दयावती एवं चंद्रशेखर राजपूत जी कथा परीक्षक रहे। नंदन जी, आज आप इतने दूर से आए हुए हैं लाला हरदौल की समाधि पे, आज आप कैसा कार्यक्रम लगा? कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा।